एक एक्टर के लिए अवार्ड मिलना, वो भी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, एक ऐसे रोल के लिए जो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है। जैसे अंदर की बात की गई कि मैंने काफ़ी सालों तक कॉप किया है, पुलिस किया है, तो खुद को एक्सपेरिमेंट कर रहा था, खुद को एक्सप्लोर कर रहा था। और ऐसे ही एक पहले प्रोजेक्ट में इतना बड़ा अवार्ड मिलना, ये एक बहुत ही खुशी वाली बात है। और फैंस से, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, आज अवार्ड मिला, क्या एक्सपेक्ट करें आप आने वाले दिन? कोई नया प्रोजेक्ट कुछ अगर आप बता? प्रोजेक्ट्स तो चल ही रहे हैं, कुछ एक दो फिल्म्स ऑन फ्लोर है, बट उनके बारे में अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा मैं। एक दो फिल्म्स आ रही हैं, एक दो वेब सीरीज़ आ रही हैं, तो काम तो चल रहा है, मगर यह है कि अब कुछ अलग करना है, जैसे इस फिल्म में किया है, एंड होपफुली आप लोग मुझे आने वाले सालों में अलग अलग रोल्स में देखते रहोगे। तो क्या बिग बॉस करने का इरादा है? बिग बॉस मेरे बस की बात नहीं है, बिकॉज वहाँ आपको 24 घंटे एक्टिंग करनी पड़ती है, हम सिर्फ कैमरा के सामने करते हैं। थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, क्या कहना? सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये दिस इज माई फर्स्ट फिल्म, और पहली फिल्म में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलना, ये बहुत ही लकी समझता हूँ मैं अपने आप को, बिकॉज फाल्के जी वॉज अ पायनियर ऑफ फिल्म मेकिंग, और यू नो ही इज़ द गॉडफादर ऑफ इंडियन सिनेमा, और उनके आशीर्वाद से अगर मुझे सम्मानित किया गया है तो, और वो भी उनके जन्मदिन पर, तो इससे बढ़िया बात मेरे लिए कोई नहीं है। एंड आई सिंसियरली थैंक विक्रांत मोरे जी एंड MB एंटरप्राइजेस टू कंसिडर मी। दादा साहब फाल्के अवार्ड के अलावा कुछ अगर आप बताना चाहेंगे प्रोजेक्ट अगर? जी बेसिकली मैं एक्टर हूँ, और एक्टिंग के बाद अब कोविड के बाद आई हैव ऑल्सो टेकन इन टू डायरेक्शन, कई सारी कहानियाँ हैं जिनसे जिन्हें मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो अभी मैं राजकुमार कनौजिया जी हैं मेरे मित्र, उनके साथ एक ह्यूमरस सीरीज़ कर रहा हूँ, विच इज़ अ ट्रिब्यूट टू यू नो इंडियन एक्टर्स, एंड वो एक माइम के ज़रिए हम पेश कर रहे हैं, साइलेंट कॉमेडी है, ब्लैक एंड वाइट है, उसका नाम है बोटिया बोटिया। ये काफ़ी इंस्टाग्राम पे फेमस है और बहुत लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, बहुत लोगों तक ये रिलीज पहुँच रहे हैं, थॉट प्रोवोकिंग है, साइलेंस है, 15 सेकंड से 30 सेकंड में हम पूरा खेल खेल जाते हैं एक ही टेक में, और लोगों के दिलों को छूने की कोशिश करते हैं और पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। ये प्रयास हमारा है कि हम आगे इसे ले जाए और ये सिनेमा में परिवर्तन इसका हो। थैंक यू सो मच। जो है उनके साथ मेरे दो गाने हैं वो आ रहे हैं, एंड एक वेब सीरीज है जिस
एंड सेकेंड वन जो है दैट इज अ लव सॉन्ग. यस ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड कीप ब्लेसिंग मी. ऐसे ही आपका प्यार हमें देते रहिए एंड डू लाइक आवर सॉन्ग एज वेल. थैंक यू सो मच. कामयाबी का आपके पीछे कदम चुनते हैं मैम, आपके दादा साहब फाल्के से आप बहुत सम्मानित किया गया, आपका काम का सराहना किया, क्या बोलना चाहते हैं मैम? ये दूसरी बार हुआ है मेरे पूरे करियर में कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है मुझे. सो एक बहुत पहले मिला था, आई थिंक शक्ति से जस्ट पहले, और उसके बाद अब ये दोबारा मिला है. बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड है और जैसे कि इस पर लिखा हुआ है कि मैं पढ़ना चाहूँगी, इस पर लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया. सो जब भारत सरकार लिखा होता है आपकी ट्रॉफी पे तो उस मैं मतलब क्या कहें, सिर्फ आप ऐसे हाथ जोड़ के कहोगे कि थैंक यू सो मच. थैंक यू भी बहुत छोटा सा वर्ड है. सो मेहनत का फल है. बहुत सालों से काम कर रही हूँ, लिए हैं बहुत ट्रॉफीज़, लेकिन ये हमेशा स्पेशल रहा है और रहेगा. सो बस आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है, अच्छा अच्छा काम करते रहूँ. और ये इसलिए भी मिला है कि मतलब ये ट्रॉफी क्यों मिली है मैं वो भी बताना चाहती हूँ. इट्स फॉर माई आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन टेलीविजन. सो मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे टीवी से बहुत प्यार है. मेरे लिए टीवी सबसे पहले, अगर कभी ओटीटी करती हूँ, फिल्म करती हूँ, जो भी करती हूँ वो सब बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए सबसे ऊपर टेलीविजन है. बहुत प्यार दिया है टीवी ने, मैंने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन जो प्यार टीवी ने दिया है वो सर आँखों पर और सर झुका के नमन. थैंक यू वेरी मच. अरे क्यों खत्म हो, मैं तो चाहती हूँ कि आखिरी सांस मैं अपना काम करते करते लूँ. कितना प्राउड मोमेंट था आपके लिए कि इतना काम आप कर चुकी हैं? नहीं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई कहता है कि अरे तुम्हारा तुम तो कर ही लोगी कुछ ना कुछ, तुम तो बैठने वाली नहीं हो, तुम तो कर ही लोगी काम. और जब मेरा नाम अच्छे एक्टर्स में आता है तो मुझे और अच्छा लगता है. मैं हमेशा कहती हूँ मैं स्टार नहीं हूँ, ना मुझे स्टार बनना है, मैं एक्टर बनना चाहती हूँ और कोशिश करती रहूँगी कि जब भी काम करूँ, जब भी कैमरा फेस करूँ तो लोग यही कहें कि बढ़िया एक्टर है यार, इसका काम अच्छा लगा. तो मेरे लिए यही चीज़ मैटर करती है और आगे भी करती रहेगी. और आप लोगों ने भी बहुत साथ दिया है तो ऐसे ही देते रहिए साथ मेरा. अच्छी एक्टर तो आप बन गई हैं, अच्छी पॉलिटिशियन तो उसके बारे में थोड़ा ऐसी पॉलिटिकल बातें नहीं करते हैं, एक्टिंग की बातें करते हैं. मैम एक्टिंग की बात करते हैं, एक्टिंग की बात करते हैं मैम. ऑलरेडी टीवी, बॉलीवुड, टॉलीवुड आपने सब कर रखे हैं, कौन ऐसा ही जो है आप करना चाहते हैं, कौन आपके रोल मॉडल जैसे दिख रहा आप प्रेरणा आगे बढ़ाते हैं, आप प्रेरणा जो आपको? ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमें सिर्फ यही चाहती हूँ कि जो भी मुझे रोल मिले उसे मैं बहुत बेहतर तरीके से करूँ. जो भी उम्मीदें मुझसे हैं मेकर्स की, मेरे फैंस की, उस पर मैं खरी उतरूँ. और कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो मैंने पहले किया है या तो फिर जो रूटीन टीवी में चलता है उससे थोड़ा सा अलग करूँ ताकि वो बोरिंग ना लगे. दैट्स इट. आपने कॉमेडी भी की है, आपने सीरियस रोल भी किए हैं, तो वही काफ़ी बखूबी आपने की है, आपकी टाइम में अच्छी कॉमेडी की थी, क्या ऐसा लगा हम उम्मीद कर सकते कि आप आगे भी कॉमेडी? आप प्रे करो, मैं करना चाहती हूँ कॉमेडी, मैं जेन्युइनली करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत मज़ा आता है कॉमेडी करने में. आप प्रे करो कि मुझे मिल जाए जल्दी कुछ. जैसे कॉमेडी सर्कस था और कॉमेडी सर्कस के बहुत सारे सीजन मैंने किए हैं, तो ऐसा कुछ मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी. और मैं सच बताती हूँ बहुत मज़ा आता है, बहुत बहुत बहुत. सो करना चाहूँगी, इट्स टू मच ऑफ फन.
रुलाना आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ट्रस्ट मी। सो जितने भी हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं उन सबको सलाम, बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर वो हंसा पाते हैं तो उनमें भर भर के इमोशंस हैं और बहुत टैलेंटेड है वो लोग। मैम, रिसेंटली दंगल टीवी की एक्ट्रेस कृष्णा मुखर्जी ने कहा, उनके जो प्रोड्यूसर है, जब शूट करते वक्त उन्हें रूम में बंद कर दिया गया, उन्हें लॉक कर दिया गया, ऐसा उन्होंने खुद सोशल मीडिया में आकर कहा, और उनके पेमेंट्स भी नहीं किए जाते 3-3 महीने का। आप जानते हैं हर एक्टर को लेट पेमेंट जाते, चैनल साइलेंस हो जाता है। हाल ही में एक और एक एक्टर को निकाल दिया गया बिना नोटिस पीरियड दे के। अगर एक्टर कुछ टैंट्रम भी करते तो एक नोटिस पीरियड देना चाहिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि टीवी इंडस्ट्री में हम बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन जो वर्क कंडीशन है एक्टर्स की पेमेंट्स को लेके, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आपने किस्सा बताया मुझे इसके बारे में पता नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं ये कहूँगी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। क्या रीज़न है, क्या वजह है मुझे नहीं पता, बट कमरे में बंद करना ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ जिससे मतलब वो बात इतनी आगे बढ़ी कि एक प्रोड्यूसर को एक्टर को कमरे में बंद करना पड़ा। सो आई डोंट नो, आई वुड लाइक टू नो बोथ साइड ऑफ द स्टोरी। और जब पेमेंट की बात है, तो जब आप काम मांगने जाते हो, आप ऑडिशंस करते हो, आप लुक टेस्ट करते हो और आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तो आपके सर पे बंदूक नहीं रखी गई है कि आप साइन करो। आप तभी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर करो, क्योंकि प्रोड्यूसर को भी पैसा जो मिलता है वो उस टाइम के बाद ही मिलता है। 2-3 90 डेज है या 60 डेज है, उन्हें भी तब मिलता है। तो अगर आपको दिक्कत है तो आप पहले से बात कर लो। मुझे ना बहुत सारे एक्टर्स की ये एक बात बहुत बुरी लगती है कि जब आप काम मांगने जाते हो, जब आप ऑडिशन करते हो, लुक टेस्ट करते हो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तब आप हाँ जी करके कर लेते हो। उसके बाद जो टैंट्रम शुरू होते हैं, मैंने खुद देखे हैं एक्टर्स के टैंट्रम। सो लेट्स नॉट ओनली ब्लेम द मेकर्स कि वो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं। एक्टर्स, आपको पता है, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ एक्टर्स क्या क्या नहीं करते। मुझे भी पता। हाँ, तो लेट भी आते हैं, रेडी होने को भी टाइम लेते हैं, सेट पे आने के लिए भी टाइम लगाते हैं, 4 लाइन ढंग से बोल नहीं पाते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो मैंने देखे हैं। लेकिन वो रातों रात स्टार बन जाते हैं, वो 15 मिनट एक्स्ट्रा काम कर ले तो वो एक्स्ट्रा 15 मिनट का बिल देते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और अगर आप ये कहेंगे कि एक्टर्स विक्टिम है, तो जो मैंने देखा है, मैं ये कहूँगी कि प्रोड्यूसर्स मेरे सामने, मैंने बेचारे देखे हैं एक्टर्स के सामने, और बहुत सफ़र किया है, और बहुत सारे शोज हैं जो एक्टर्स की वजह से बंद हुए हैं। तो आई वुड से कि अगर एक्टर्स ये करते हैं, पहले 12 घंटे प्रॉमिस करते हैं, फिर लेट आते हैं, फिर वो जो भी नाटक करते हैं वो रिप्लेस देम, टीच देम अ लेसन, शो देम कि एवरीबॉडी इज रिप्लेसेबल इन दिस इंडस्ट्री। कोई भी ऐसा नहीं है जो रिप्लेस नहीं हो सकता। द शो मस्ट गो ऑन, और टेलीविजन में शो ही है जो इम्पोर्टेंट है। नथिंग एंड नोबडी इज बिगर देन द शो, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। आप कितने प्राउडली आप खुद को कह रहे कि मैं टीवी एक्टर हूँ, लेकिन कई सारे टीवी एक्टर बहुत पॉपुलर होते हैं, लेकिन उनको कहना कि हम टीवी एक्टर, हमें मत। वेरी प्राउड टू बी अ टीवी एक्टर। मैंने अभी भी कहा कि टीवी ने बहुत प्यार दिया और मेरे लिए टीवी सबसे ऊपर है। और मैंने पहले भी कहा, जब मुझे ये कहा गया था कि प्लीज़ टेक अ ब्रेक फ्रॉम टीवी टू डू OTT, तो मैंने उनको नमस्ते कर दिया और मैं कहा नहीं, मैं टीवी से ब्रेक नहीं लूँगी। हाँ, अगर टेलीविजन मुझे खुद ब्रेक दे देता है तो बात अलग है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से ब्रेक नहीं लूँगी। मेरे लिए टेलीविजन सबसे ऊपर है। सो जो देखो, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, किसी को फिल्म करना होता है, किसी को OTT करना है, किसी को कुछ और करना है। बट मैं जहाँ से आई हूँ, जिस चीज़ ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचा है, वो मेरे लिए सबसे पहले, और वो है टेलीविजन। मैम, आखिरी सवाल, 2023-24 आपके लिए बहुत अच्छा रहा, शादी भी हुआ, निर्जा शो भी किया। अरे शादी तो मैंने 2020 में किया है, निर्जा शो भी अच्छा किया आपका। जैसे चुनाव के माहौल में अगर मौका मिले आपको, चुनाव लड़ना चाहेंगे, आप किस पार्टी से लड़ना चाहेंगे चुनाव के दौरान? नहीं लड़ना चाहूँगी। आज बताती हूँ खुल के। जैसे ही मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, बहुत सारी चीज़ें जो हम बाहर से देखते हैं हमें नहीं पता होती, जब हम अंदर जाके देखते हैं बहुत सारी चीज़ें समझ आई, दिखाई दी, थोड़ा सच पता चला और अच्छाई भी पता चली।
अभी बहुत कुछ और सीखना चाहती हूँ और कुछ देखना चाहती हूँ. अभी मैं जैसे कि मैंने कहा कि मैं तो ब्रेक नहीं लेना चाहूँगी टीवी से, और ऊपर वाले की दया है कि टीवी भी मुझे ब्रेक नहीं ले रहा है. बहुत जल्दी एक नए शो के साथ आप सबके सामने आऊँगी, सीधे प्रोमो दिखाऊँगी. तो आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी प्रोमो हो जाए और आपके सामने लाऊँ और बढ़िया काम करूँ. This is for my Konkani language movie, Tarpana. I'm basically from Karnataka, but a prestigious organization from Maharashtra is recognizing our work, and we are extremely happy. Our team is here. One of our actors, Anuj Nayak, has won Best Actor. I'm equally happy for that too. So Tarpana basically is a movie on family emotions. It is about an ego affected father son relationship, wherein losing one of them, one losing the other, and the effects after a personal loss. We have dealt with a very emotional topic, very important topic for the current generation, and also regarding the screenplay, the narration of the movie. We have not gone through a normal narration. We have tried something different in the Konkani language, and we should be extremely proud that for a market like Konkani, where not many of the audiences know about this particular language, so for this language, the kind of quality that we have given with this movie, we are extremely happy about that for now. Thank you. मेरा ये पहला शॉर्ट फिल्म था और ये मराठी में शॉर्ट फिल्म है भ्रूण करके. ये एक बीमारी के ऊपर कंसेप्ट है, हार्ले के नीचे तोसिस करके कंसेप्ट है कि जो बचपन में ही पैदा होते ही वो बीमारी बच्चे को हो जाती है, तो उसको राक्षस बोला जाता है. तो वो राक्षस नहीं है, तो वो डिसीज है, स्किन डिसीज है. वो क्या है वो और कैसे होता है उसके बारे में ये शॉर्ट फिल्म में बताया गया है. मेरे प्रोड्यूसर मेरे साथ है प्रवीण पवार, और थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कहीं तो नौकरी लगा दो, ये सारी चीज़ें बाद में सोची जाती है, पर क्यों नहीं उसके लिए यही सब चीज़ें पहले से सोच ली जाए. अब तो समाज में इतनी सुविधाएं, अब तो हर नौकरी में भी इतनी सुविधाएं हो गई. पहले जैसे रेस्ट रूम्स और ये फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो हर जगह वेमेन को नहीं लिया जाता था. आजकल तो हर तरह की हमारे पास मोटर व्हीकल्स हो गए हैं सारा. तो समाज जब बदल रहा है तो अभी भी हम वही उसी तरह से अगर बच्चे को बड़ा करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये गड़बड़ होगा. तो इस मूवी का मुद्दा यही है, शी जस्टिफाइड. आज के दिन भी समाज में औरतें जो मारपीट होती है, घरेलू हिंसा होती है, उसको जस्टिफाई करती है कि सब ठीक है. और जब औरत ही इसको जस्टिफाई करेगी तो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कितने भी लॉज ले आओ, कुछ नहीं सहायता कर सकता उसका. और अगर हम देखा जाए ऑल ओवर इंडिया, जो हम कहते हैं कि शायद नॉर्थ बेल्ट या इस बेल्ट में ज़्यादा घरेलू हिंसा होती है, ऐसा कुछ नहीं है. अच्छे से अच्छे एजुकेटेड स्टेट्स भी हाई नंबर पे हैं जहाँ वेमेन खुद जस्टिफाई कर रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस ओके है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बेस्ड है तमाशा कलावंतर जिसे हम कहते हैं. लावणी इज महाराष्ट्र कल्चर्स इनक्रेडिबल पार्ट. सो दिस बुक इज़ बेस्ड ऑन दैट आर्ट, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट बुक एंड फर्स्ट अवार्ड. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड. आई थैंक ऑल द दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार टीम फॉर दिस ब्यूटिफुल अवार्ड, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक अ ब्यूटिफुल कम्प्लीट मराठी फिल्म ऑन दिस बुक. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू. विश ऑफ लक. थैंक यू. जी बहुत 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 तो शुक्रिया.
एक हौसला ऐसा है कि आप शायद मैं मेरी अगली फिल्म बहुत अच्छी कर सकूँ. सो आई थैंक अदर साहब फाल्के फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपके एसोसिएशन ने मुझे काबिल समझा कि ये फिल्म को काबिल समझा कि आप मुझे अवॉर्ड दें. नारा साहब फाल्के अपने आप में काफ़ी बड़ी से सम्मानित साहब को सम्मानित किया गया. कितना आप एक्साइटमेंट हुआ और नया क्या क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कौन सी प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम है? जी बिल्कुल. सो दारा साहब फाल्के बेसिकली है मराठी, मैं भी मराठी हूँ, आई एम फ्रॉम पुणे. सो मला प्रचंड अभिमान है कि मला दादासाहेब फाळकेंचा पुरस्कार यावर्षी मिळाला. और मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट मतलब मेरी जो लास्ट ईयर मैंने फिल्म की थी, सो बेसिकली मैं लंदन से मेट फिल्म स्कूल से पास आउट हुआ हूँ और अभी मैं इंडिया में पिछले ही साल आया हूँ. सो अभी मेरा पिछला जो प्रोजेक्ट था वो कांस के लिए सिलेक्ट हुआ था और अभी दादासाहेब फाळके मुझे मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा है. और आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं मुझे आई एम राइटिंग न्यू स्क्रिप्ट कि आई एम इन सर्च ऑफ सम प्रोड्यूसर्स कि जो हम जैसे नए फिल्म मेकर्स के साथ काम कर सके और ऑल्सो जो ना कुछ नया सब्जेक्ट ट्राई कर सके, क्योंकि मैं अपनी हर एक फिल्म में हर एक नाटक में नए सब्जेक्ट ट्राई करता हूँ. थैंक यू. जो लोगों को दिखानी है वो यही है कि ये जो सेंसिटिव इश्यू है जिसके पास ना पैसा है, ना परिवार है, ना कोई साथ है, ना सरकार है, फिर भी ये जो नव सर्जन का जो पथ पर वो अकेली चल रही है उसके वो सफ़र में जो हॉस्पिटल नर्सेस और वो जो नया परिवार बन रहा है और वो नया परिवार इतना ज़्यादा सपोर्टिव रहता है और फिर वो जो होप डिलीवर करती है, मतलब जठरे शायनम इज़ ऑल अबाउट यूनिवर्स, होप एंड फेथ. तो ये फिल्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चल रही है और मेरी ये कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. एक्सपेरिमेंटल फिल्म में मिला गया है, तो इसको एक्सपेरिमेंटल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस किस्म की फिल्में ज़्यादातर बनती नहीं हैं. फिल्मों से जो लोग मैसेज लेके जाते हैं अपने घर में वो कभी कभी झूठ से रिलेटेड रहता है या कोई ऐसी गंदगी को देख के हम उसका मज़ा उठाते हैं. ये फिल्म में ऐसा दौर चल पड़ा है. हम लोगों की फिल्म महालक्ष्मी पथ अलग से है क्योंकि वो हमको वो रास्ता दिखाती है जिस रास्ते से हम नेक रास्ते पे जा सकें और हमारे अंदर जो फीमेल एनर्जी है, जो हमारे अंदर शक्ति है जिसको हम जगा सकते हैं, उस शक्ति को का माध्यम है योगा, जिसे हम सहज योगा कहते हैं. और उस योगा के माध्यम से हम एक कुंडलिनी शक्ति, अपनी आंतरिक शक्ति की जागृति के बारे में इस फिल्म में बात कर रहे हैं. और हमारे जो दो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो कैसे एक अच्छी गृहलक्ष्मी बनकर, एक अच्छी नारी बनके वो अपने घर को संभालती हैं और दूसरों को भी रास्ता दिखाती हैं कि कैसे सही जीवन में, कैसे सही तरीके से अपना पालन जीवन का करना चाहिए अपने प्रति, लोगों के प्रति. तो हम लोग को अपने आप को एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है, हम इस फिल्म के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. मेरा आइडिया ये था कि हम लोग फिल्मों में एंटरटेनमेंट तो ज़रूर लेते हैं मगर फिल्मों से कोई अच्छी बात, कोई अच्छा मैसेज जिससे कि हम लोग अपने आप के अंदर सुधार ला सकें, अपने समाज में सुधार ला सकें. और इस सहयोग के द्वारा ये मानवता के लिए एक ऐसी देन है हमारे योग शास्त्रों में, जिसके बारे में जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हमेशा कहते थे कि ये योग भूमि है, उसको हम थोड़ा बढ़ावा दे रहे हैं. हमारे जो शास्त्रों में लिखा गया है वो तो पूरे देश विदेश में आज उसका गुणगान हो. ये महालक्ष्मी पथ वो पथ है जो आपको वो दर्शाता है कि आप आगे चल के क्या बन सकते हैं इस दुनिया के लिए, आपके अंदर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं एक अच्छा नागरिक बनने की. तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा लगेगा. इससे कलाकार को जोश और मौज आती है, वरना आज के ज़माने में जोश और मौज डाउनलोड करना पड़ता है. सुनील जी क्या कहना चाहिए, आपको हर प्रकार के अवार्ड मिले हैं, ऐसा
कौन सा अवार्ड बाकी है जो आपको अभी तक नहीं मिला है, क्या कुछ अगर आप बताएं? देखिए, वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मुझे रोज ही मिलता रहता है, वो है आप जनता का प्यार, दर्शकों का प्यार, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये भीड़ नहीं लीड है, ये क्राउड नहीं प्राउड है, ये जनता है और यही जानता है, यही हमारे अन्न देवता है और यही हमारे अन्य देवता है। ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। तो मैं कॉमेडियन से तमाम कलाकारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया, हंसाना मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन आज के ज़माने में जो जनता कर रही है, हंसना वो और मुश्किल काम है, तो बहुत मुश्किल काम है। ये जनता जो है, ये वो हंसती है जिनकी वजह से हमारी हंसती है। सर, आपके लिए अवार्ड क्या मायने रखता है? बहुत बड़ा भैया अवार्ड जो है, जोश भरते, तो मैंने कहा ना कि हम कलाकार को, तो जैसे तुमने कहा, अगर मैं अवार्ड का नाम लूँ तो और बहुत सारे अवार्ड है जो रोज़ाना मिलते हैं, लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मुझे भी मिले। लेकिन हर अवार्ड अपने आप में एक ग्रेट ही अवार्ड होता है, वो कोई तो उसका एक रिस्पेक्ट होता है। मुझे मिल रहा है तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की जिम्मेदारी की बात है कि कल को मुझे और अच्छा काम करना है, ताकि दर्शकों को मैं और दिल से हंसा सकूँ और खुश रख सकूँ, कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, और किसी के दिल को दुखाना इससे बुरी आदत नहीं। इसलिए ना सिख, ना ईसाई, ना हिंदू, ना कॉमेडियन हूँ, मेरा मजहब है हंसाना, मैं बस कॉमेडियन हूँ। रिसेंटली राखी सावंत ने आज कहा है कि वो मंडी से लड़ने वाली कंगना रानौत के लिए खिलाफ कांग्रेस पार्टी के, ऐसा उन्होंने कहा है, मतलब लड़ना चाहती है, आप क्या कहते हैं, कहना चाहिए? भाई, मंडी के तीन मतलब निकलते हैं, एक मतलब मंडी, मतलब मार्केट, ये मार्केट के दोस्त, कंगना जी के, कंगना रानौत के खिलाफ लड़ना चाहती है राखी सावंत। हाँ, तो अच्छी बात है, आज उन्होंने अपना इच्छा जताया। हाँ, तो समझ लो कि दोनों मीडिया की बेटी हैं, दोनों मीडिया, एक एक राखी सावंत जो मीडिया की बेटी है और दूसरी कंगना रनावत, तो मैं समझता हूँ कि ये इन दोनों का कोई तोड़ नहीं है, और ये अगर मंडी से लड़ रही है तो मैं समझता हूँ कि मंडी जो है वो मार्केट है, बड़ा बड़ा मार्केट है, इलेक्शन का मार्केट है, और इन दोनों की वजह से ये मार्केट और गर्माया जाएगा, क्योंकि दोनों बहुत हॉट है। लेकिन आपको लगता है राखी जी इतने दिनों के बाद आई है मुंबई, दुबई में थी, क्या लगता है कि राखी जी को सम्मान अगर नहीं कर रही है तो जोगेश्वरी में रहने का फायदा नहीं है। न्याय जो है, कानून जो है, वो हम सब के लिए बड़ा रिस्पेक्टेड है। अदालत जो है, अपनी अदा की लत कहीं और दिखाइए, लेकिन अदालत में आइए, क्योंकि यहाँ फैसला जज की बात से होता है, जज्बात से नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुनावर है आपका, मुनावर उनको बीच में फैंस ने अंडे से मारा, ऐसा कई सारे सोशल मीडिया में खबर, उनको अंडा मिला होगा, डंडा नहीं मिला होगा, डंडा मिलता तो डंडे से मारते, क्यों ऐसा क्यों बोलो? गाली गलौज करने वाले की मेरी नज़र में कोई इज्जत नहीं है, गाली गलौज करने वाला मेरे लिए एज गुड एज आतंकवादी है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी को सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, गाली गलौज के जरिए अगर कॉमेडी भी नहीं कहूँगा परफॉर्म करता है, पर मतलब कुछ जो भी करता है, उससे हमारी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी जो है वो ख़राब हो रही है, और ये जो पीढ़ी है ये मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है, क्योंकि ये पीढ़ी नहीं, ये हमारी डीपी है, ये आने वाले ज़माने की हमारा भविष्य है, और भविष्य को बरगलाने वाला आतंकवादी से कम नहीं है। मेरे पास से एक सवाल मेरा है कि आजकल बहुत सारे ऐसे एड्स हैं जो एक्टर्स को नहीं करने चाहिए, ऐसे ही एक पान मसाला का ऐड है जिसे टाइगर श्रॉफ अभी करना चालू कर दिया, वो कोई सेम ऐड है जो बड़ी मियां ने यानी कि अक्षय कुमार ने छोड़ दिया था, ये क्या कहना चाहेंगे, क्या नए एक्टर्स को ये सलाह के ऐड करने चाहिए पान मसाला का? किसी भी कलाकार को पान मसाला का, भले उसका शॉर्ट फॉर्म पीएम होता है, लेकिन पीएम को ऐसा भी प्रमोट मत करो कि लोगों तक गलत जाए, मैं तो हाँ गलत जगह प्रमोट मत करो। पान मसाला का ऐड किसी भी आर्टिस्ट को नहीं करना चाहिए, शराब का ऐड किसी को नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि ये करने से लोगों में गलत फहमी बढ़ती है और प्रॉब्लम होता है, पीढ़ी ख़राब होती है। जैसे हमने कहा ना कि हीरो जो है, हीरो शुड बी हीरो, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जैकी श्रॉफ साहब को, जैकी श्रॉफ उनके फादर है, तो जगह जगह पेड़ बांट रहे हैं, हरियाली बांट रहा, बिड़ू बिड़ू तू बड़ा बच्चा, बिड़ू तू बड़ा बच्चा है, बिड़ू लो पेड़, ट्री लो बिड़ू ट्री लो,
पेड़ बांट बांट के दुनिया को जंगल करना चाहते हैं ताकि टाइगर श्रॉफ टाइगर जंगल में सेफ रहे और ये दुनिया के बच्चों को सेफ अनसेफ करना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। टाइगर श्रॉफ भी अच्छा कलाकार है, कभी कभी मुझे शक होता है कि जैकी श्रॉफ का बेटा है जैकी चैन का हरकत है उसकी जैकी चैन जैसी, लेकिन बीड़ू हमारे जबूदा का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लव यू बीड़ू। थैंक यू। हो गया मिल गया हुए हैं बेस्ट डायरेक्टर के लिए। उन्होंने एक बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाई अंतरनाथ द वॉइस विद इन, उसके लिए वो नॉमिनेट हुए थे, उनको अवार्ड मिला यहाँ पर। तो सबसे पहले तो उनको मैं बधाई देता हूँ आप मीडिया के ज़रिए, और साथ ही साथ मैं ये साझा करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि पार्था और हम दोनों मिलकर के कोटिया पोटिया नाम का एक सीरीज चला रहे हैं इंस्टाग्राम पर फिलहाल, और जिसे आप लोग की दुआ से अभी फिल्म और वेब सीरीज़ के लिए ऑफर आना शुरू हो गए हैं। बहुत जल्द ये आपको बड़े पर्दे में दिखेगी। और ये ब्लैकमेट फोटोग्राफी करते हैं और लॉरेन हार्डी ये टॉकी नहीं है, म्यूट कर रहे हैं हम। तो इस तरीके का हमारा ये पूरा है सीरीज़, और हम दो ही कलाकार इसमें रहते हैं, तीसरा कोई नहीं रहता, और सिर्फ हम साउंड के बूते पर इसको अभिनय के ज़रिए आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारा तालमेल और बाकी आप उनसे पूछिए और कुछ पूछना तो पूछ लीजिए भाई। इसके अलावा मेरे भी चार फिल्में रिलीज पर है, एक आ रही है तोता उड़ मैना उड़, और एक आ रही है ट्रिपल तलाक, एक है सुस्वागतम खुशामदीद, और एक है भूत आगतम। चार फिल्में और एक वेब सीरीज है द पेपर ट्रायल। तो इतना सारा काम आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं सुपर एक्साइटेड हूँ हमारा जो सीरीज़ मैंने कहा पार्था और मेरा कोटिया और पोटिया इसको लेकर के, क्योंकि ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, मेरी अपना आइडिया है और अपना डायरेक्शन है, और गोटिया पोटिया टाइटल जो है वो पार्था जी ने ही दिया है, और बाकी मैं पार्था जी को दावत देना चाहूँगा कि वो आए और आगे बढ़ाए। आ जाओ भाई लोग आए हैं काफ़ी। सबसे पहला तो सर थैंक यू सो मच कि मैं तो अंदर अवॉर्ड कर रहा था, मेरे साथ में भी एक स्वार्थ जुड़ा हुआ था कि मेरा थोड़ा सा नाम हो जाएगा करके, लेकिन आप लोग आज दो तीन घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हो, ये अनबिलीवेबल है। हाँ कितना 5.5 घंटे से यार, सही में यार मैं दिल से तुम लोगों को माफ़ी मांगता हूँ कि टेक्निकल रीज़न की वजह से जो 2 घंटा शो डिले हो गया और आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, तो सही में सही तहे दिल से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर दिल करे तो माफ़ करना, वरना माफ़ नहीं करना, उसकी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। देखो दासा फाल्के फिल्म पुरस्कार जो है ये हम लोग ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ये सिर्फ हर साल 30 अप्रैल को दासा फाल्के के बर्थडे के दिन हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और ये सिर्फ फीमेल राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर या फीमेल ओरिएंटेड कंटेंट होगा तो ही हम लोग इसके अंदर एनरोल करते हैं। आप मैं कुछ बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सब लोग को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और सॉरी भी बोलना चाहती हूँ कि हमारा अवार्ड काफ़ी 2 घंटा डिले हो गया टेक्निकल इशू की वजह, सर ने बताया ही है, तो सॉरी एंड थैंक यू दोनों एक साथ। और अवार्ड के बारे में ये बोलूँगी कि जैसे कि आज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा फाल्के का बर्थडे भी है, और वो हमें उस बर्थडे को सेलिब्रेट करने का प्रिविलेज मिला है, तो हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमें आज ये अवार्ड ऑर्गेनाइज़ किया, और हमारे अवार्ड में पूरे इंडिया से बहुत सारे लोग आए थे। बेसिकली हमारा अवार्ड था बेसिकली वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर था, जो फीमेल राइटर हैं डायरेक्टर हैं फिल्म मेकर्स हैं जो अलग अलग मुद्दों पर वुमन के सब्जेक्ट के ऊपर जिन्होंने फिल्में बनाई हैं, तो हम उनको ही सम्मानित कर रहे थे अवार्ड से। तो सम्मान देकर या सम्मान लेकर हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबको अप्रिशिएट करके, तो थैंक यू सो मच। सर आपसे जानना चाहते हैं कि 2 सब्जेक्ट एक साथ जो है कॉन्सेप्ट इनका एक साथ में प्यारे आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किए, फिल्म भी है अवार्ड भी है शॉर्ट मूवी के भी आपने सम्मान प्यार दिया, क्या है इनका भविष्य? सर ये सवाल बहुत अच्छा किया इसलिए थैंक यू सो मच। खास करके मैं आज जो सियासती लोग हैं चाहे वो किसी भी पार्टी का हो आज हर कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है, एक जाती दूसरी आती तीसरी आती है, लेकिन जो आम इंसान की जो तकलीफें हैं वो तकलीफें अपनी जगह पे है।
तो ये कॉमन मैन की तकलीफ सॉल्व तब तक नहीं होगी जब तक कि इसकी जिम्मेदारी हम खुद नहीं उठाएंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल के जरिए हो। आप इसको उजागर करने की कोशिश करें कि हम सिर्फ धर्म मज़हब के नाम के ऊपर, राम मंदिर हो या बाबरी मस्जिद हो, इससे हमारा घर नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। हमारा ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ हमको रोटी की ज़रूरत होती है और ज़िंदा रहने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है जो कुदरत ने फ्री में दी है। जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं उनकी सारा वेरिफिकेशन करके देख लो, करोड़ों अरबों की जायदाद है, लेकिन कोई भी आम इंसान के बारे में नहीं सोचता। रोज़ के 500-1000 रुपये कमा कर लोग अपनी दिन निकाल रहे हैं, लोग छोटे छोटे चीज़ों के लिए, एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो हम लोग ने एक अवार्ड का एक नया रूप दिया है ताकि लोगों में जागरूकता आए, सामाजिक मुद्दे पर जो फिल्में बन रही है ये सिनेमा के ज़रिए हम थोड़ा सा लोगों को प्रोवोक करें और आप लोगों के माध्यम से कुछ चुनिंदा लोगों तक हम पहुँचते हैं तो शायद हम सफल हो जाएंगे। इन दिनों दादा साहब फाल्के अवार्ड को लेकर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, कई सारे अवार्ड हो रहे हैं, क्या देना चाहिए के नाम से? मेरे ख्याल से जो मेरे नज़र में है लगभग 14-15 प्रकार के अवार्ड होते हैं पूरा इंडिया में, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये जो अवार्ड है ये दासा फाल्के सिनेमा से कनेक्टेड थे, लेकिन और भी फील्ड से कनेक्टेड लोगों को अवार्डेड दिया जा रहा है। और इस अवार्ड के अंदर ये नहीं देखा जा रहा कि जिस व्यक्ति को आप दासा फाल्के अवार्ड दे रहे हो वो व्यक्ति का प्रोफाइल क्या है, वो क्या है। दूसरी बात यह है, इसीलिए हम लोग ने दासा फाल्के को मोनोपोली किया और हम सिर्फ 30 लोगों को अवार्ड देते हैं, फीमेल ओरिएंटेड रिलेटेड कंटेंट, और ये सपोर्टेड बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट भारत सरकार है, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने किया है। इसके अलावा क्या क्या आपकी तरफ से नया आने वाला है, कब क्या करने वाले हैं? मेरी एक बहुत ही बेहतरीन अभी फिल्म आने वाली है लव जैसा प्यार, जो अभी 2 महीने बाद अमेजोन प्राइम पे वो रिलीज़ होगी, आप देखिएगा ज़रूर, जिसके अंदर मैंने बताया है कि किस तरह मोबाइल एडिक्शन युवाओं को गलत रास्ते पे लेके जा रहा है और मोबाइल के ज़रिए किस तरह पार्टी आप पे रूल कर रही है, कोई भी सत्ताधारी पार्टी हो। आखिरी में आप आपका जो अवार्ड हो रहा है उसके लिए मैसेज क्या देना चाहते हैं बाकी लोगों को जो आपको फॉलो कर रहे हैं? मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूँगा कि इसके अंदर सबसे बड़ा और अहम जो हमारा अवार्ड था वो था फाइट फॉर इक्वलिटी एंड ह्यूमैनिटी अवार्ड, कि इंसानियत के लिए और समानता के अधिकार के लिए जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने जो संविधान हमको दिया है, हमको सब ने मिलाकर अगर हमने संविधान को नहीं बचाया तो आने वाले कल में सारे के सारे लोग गुलाम होंगे इस देश में, और ये लिखित है।